Hello friends, this is Deepa. Welcome to Art Card Global. क्रिएटिविटी की मजेदार दुनिया में आपका दोबारा स्वागत है और कुछ नया सीखते हैं। चलिए आइए देखिए, बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं ढेरों वैरायटी क्रिएटिविटी की मजेदार मिनटों में, और जो आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। और चलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक भी करिए वीडियो को जल्दी से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं हमें आज के क्राफ्ट के लिए क्या जरूरत होंगी, चीजों की किस चीजों की जरूरत होंगी। यह है प्लास्टिक की एक बैंगल, कोई भी जैसे छोटी बड़ी आप ले सकते हैं, कलर और डिजाइन का कोई भी नहीं इशू। बस ये ध्यान रखिए कांच की मत लीजिए, क्योंकि वो अगर गिरेगी तो टूट सकती है। ये माइक्रम थ्रेड है, हम पिंक कलर का बना रहे हैं ड्रीम कैचर, मिनी ड्रीम कैचर, तो इसलिए मैंने पिंक कलर की ली है। और अगर आपको दूसरा कलर पसंद है तो कलर आप दूसरा भी ले सकते हैं। ये कुछ छोटे कलरफुल सी शेल्स है मेरे पास, ये है छोटे बड़े हर साइज के बीड्स। ये देखिए वुडन बीड्स भी है इसमें, मेटल बीड्स भी है। एक ही पुराना पेंडेंट पड़ा हुआ था मेरे पास, इसको हमने ले लिया। मेरे फेवरेट ये फेदर्स है, मैं व्हाइट और पिंक कॉम्बिनेशन के बना रही हूँ मिनी ड्रीम कैचर। तो ये फेदर्स है ना, पिंक और व्हाइट कलर के मैंने ले लिए है। थोड़े से जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं तो ज्यादा नहीं, अगर आपको जैसा चाहिए एड ऑन कर सकते हैं आप। ये थोड़ा सा सिल्क का थ्रेड हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम फेविकॉल लगा लगा के इसे थोड़ा दबाते हुए कवर कर लेंगे। ये जो एरिया है ना बैंगल का, इसको हम फेविकॉल की सहायता से कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से ये हमने मैक्रम सब तरफ से लपेट लिया है। ऊपर हमने इस तरीके से हैंग करने के लिए जो लास्ट इसका था ना, ये धागा जो लपेट के हमने लाया है, नॉट लगा दी। जो पहले स्टार्ट पॉइंट था हमारा, उसी से हमने इसको नॉट लगा दी। बचा हुआ पार्ट में इस तरीके से हटा दूंगी, ये ऊपर वाले दो हिस्से को हमने धागा बांधा है इस तरीके से। ये देखिए धागे से हमने ऐसे बांध दिया है। अभी मैं इसको काटूंगी नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये तीन चार इस तरीके से हमने थ्रेड्स ले लिए, ये सिल्क के 6-7 इंच के लगभग है इसकी लंबाई। छोटे बड़े आपको जिस तरीके से चाहिए ना, जितना भी इसको लटकाना है, हैंग करना है फेदर्स विथ बीड्स, उसकी आप जो है साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते, एडजस्ट कर सकते, उसी हिसाब से आप लंबाई में धागा काट लीजिए। मैं आपको बताती हूँ ये धागा हम इसे कैसे लपेट लेंगे। डबल हमने कर लिया है, छोटा बड़ा भी आप इसको रख सकते हैं। ये हमने पीछे से इसको इस तरीके से डालना है और इसमें से ये दोनों हिस्से हमने निकाल लिए हैं। ये देखिए दूसरा वाला इसी तरीके से डाल लेंगे। ये जो है ये हमारा बड़ा हिस्सा था जिसे हमने बीच में डाला है, ये जो बड़ा हिस्सा था हमने बीच में डाला है, और इसे हम साइड में लगाएंगे। ये कुछ इस तरीके से हमें
दिखेंगे थ्रेड्स। अब हमें इसमें बीड्स डालने हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम ये सीप जो है ना ये भी डाल लेंगे साथ ही साथ में। पहले मैं बीच वाला ले लेती हूँ, ये जो सेंटर वाले है ना दो थ्रेड्स, इसको मैं पहले ले लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे ये सीप इस तरीके से, बस निकाल के उसे एक नॉट हमें लगानी है। अगर छेद छोटा बड़ा अगर है तो थोड़ा डालने में प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। ये आसानी से चला गया ऊपर, ये इसको हमने कर दिया है। एक नॉट हम लगा लेंगे, इसी तरीके से एक दूसरा सीप हम ले नॉट हम लगा लेंगे यहाँ। फ्रेंड्स ये जो बीड्स है ना थोड़े थोड़े दूरी पे हम इसको लगाएंगे। ये देखिए दूसरे वाले धागे में इस तरीके से मैंने डाल दिया, और इसको रोकेंगे कैसे? अगर आप ये फेविकॉल अगर नहीं लगाएंगे यहाँ तो फ्रेंड्स ये जो बीड्स है ना नीचे की तरफ आ जाएंगे। हम अभी इसको फेविकॉल लगाएंगे ताकि वो रुक जाए। आप एक इसे, अगर आपका पतला धागा है ना तो इसे यहीं के यहीं लपेट भी सकते हैं रोकने के लिए। मैं फेविकॉल लेके इसको थोड़ा सा थ्रेड में ही लगाऊंगी फेविकॉल, क्योंकि मुझे वहां फेदर लगाना है। ये जो बीड्स है इन्हीं के साथ इस तरीके से हम पिंक, एक पिंक एक व्हाइट आप कर सकते हैं, या फिर दोनों कलर एक साथ भी लगा सकते हैं, या फिर डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे कलर का कोई भी नहीं बाउंडेशन, आपको जिस तरीके से भी अरेंज करना है देखने में खूबसूरत लगता ही है। वो फेदर्स तो वैसे ही बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लगते हैं, तो मैंने इस तरीके से ये लगा लिया है। अब ये जो सेकंड वाला है ना इसके नीचे वाला, ये यहां भी मैं फेविकॉल लगा रही हूं, और दूसरे ले लेती हूं दो फेदर्स। एक पिंक ले लूंगी, एक व्हाइट ले लूंगी। मेक इट श्योर कि अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए ताकि ये निकले नहीं। फेविकॉल तो हमने लगा ही दिया है, बट जो ये बीड के अंदर अच्छे से आप इसको फिक्स कर दीजिए, है ना। देखिए दो हमने ये देखिए इस तरीके से हमको ये जो दूसरा धागा है इसमें भी मैं लगा के आपको बताती हूँ। ऑलरेडी दो मोती डाल चुके थे हम, फेविकॉल लगाना अभी बाकी है। कलर देखिए मैंने दूसरा लिया है, यहाँ ग्रीन लिया था, तो कलर अपने हिसाब से मोती का भी आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस आपकी मर्जी। देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा वो। एक हमने व्हाइट लिया है फेदर,
और एक हम ले लेते हैं यहाँ ये पिंक वाला लाइट ऐसे पर्पल सा है शेड जो फेदर से मेरे पास जो कलेक्शन है वो मैं यूज कर रही हूँ फेदर्स का। ये बीड को भी मैं यहाँ लगा लेती हूँ इस तरीके से। फेविकॉल ले लिया है, व्हाइट फेदर यूज करेंगे और उसके साथ ही साथ में एक पिंक हम यूज करेंगे। ये देखिए दो हमने तैयार कर लिए हमारे जो फेदर वाले धागे हैं, बहुत खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं। अब नीचे की तरफ एक एक बीड लगाना और बाकी है। ये हम ये फेदर्स फ्रेंड्स मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे कलर्स प्यारे प्यारे और साइज भी इनका छोटा बड़ा होता है, ये शेडेड भी होते हैं और जैसा आपकी मर्जी आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आपको चाहिए कहाँ मिलते हैं ये तो मैं आपको बता दूंगी। और एक और हम जो लास्ट वाला जो है ना यहाँ भी यहाँ इसमें एक और पेस्ट कर लेंगे। धागे की लंबाई छोटी बड़ी अपने हिसाब से, ये हमारा देखिए हमने चूड़ी ली ना तो छोटे साइज का ही हम बना रहे हैं, जो लंबाई है उसकी बहुत ज्यादा चूड़ी के साथ अच्छी नहीं लगेगी इसलिए मैं लंबाई उसकी बहुत ज्यादा नहीं रख रही हूँ। एक ये व्हाइट, व्हाइट के साथ हमें पेयर करना है पिंक। देखिए अब ये जो साइड में है साइड वाले जो धागे इनमें भी अब हम इसी तरीके से लगा लेंगे। बीड्स हम इसमें भी लगा लेंगे। थोड़ा सा फेविकॉल लगाना पड़ेगा ना, ये देखिए जो साइड में है ना फ्रेंड्स, ये देखिए साइड में इस तरीके से। अब ये दूसरे हिस्से में भी दूसरा पोर्शन में भी हम लगा लेंगे फेदर्स। डबल थे ना तो
तो एक धागा और बचा हुआ दोनों तरफ, हम उसे भी पेदर लगा के सजा लेंगे। एक बड़ा मेरे पास वाइट फेदर है, मैं इसको अभी नहीं यूज करूंगी। फ्रेंड्स, आपको ये आज का क्राफ्ट अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरीके से नए नए क्राफ्ट सीखने के लिए नए नए आइडियाज आपको अगर देखने हो तो हमारे चैनल पे नेक्स्ट टाइम भी अगले वीडियो का इंतजार करेंगे आप। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ये देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा था, एक पुराना पेंडेंट है मेरे पास, वो मैं यूज करूंगी। इसे हम सजाएंगे यहाँ, देखिए मैं इसे यहाँ सजाऊंगी ऐसे। अभी मैं आपको बांध के बताती हूँ, तभी ये दो धागे जो है ना काटे नहीं थे मैंने। इसको इस तरीके से पीछे से मैं बांध लूंगी, और अगर बचा हुआ धागा आपको काटना है तो आप काटिए, अदरवाइज उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके एंड पे हम एक एक बीट और लगा देंगे, देखना में बहुत खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। मैं एक एक जो बीट है ना उसके एंड पे, ये धागे के ना देखिए कॉर्नर पे लगा देती हूँ इसे। धागा काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, हमारा प्यारा प्यारा मिनी ड्रीम कैचर बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए खूबसूरत, ये जो है पुराना यूज जो नहीं हो रहा था पेंडेंट, उसी को हमने यहाँ देखिए सेंटर में लगा लिया है। और अब देखिए इसका लुक जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अपने फीडबैक हमसे जरूर शेयर करिएगा। तो देखा आपने फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पिंक और व्हाइट कलर का ड्रीम कैचर बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बना के देखिए, और कैसा लगा आपको, अगर पसंद आया लाइक जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।